Roll. We have with us today Samajwadi Party's face for the whole nation. He is Lucknow East candidate for Samajwadi Party. Anurag Bhadauria is here to speak with us on a lot of issues about the state and as well as on his seat. Anurag ji, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपसे एक सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है, आप समाजवादी पार्टी के फेस हैं. समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जो सवाल भाजपा खड़ा करती है वो पूरे स्टेट के लिए होते हैं, ना कि एक सीट के लिए. आपको अपनी सीट भी डिफेंड करनी है और आपको स्टेट भी, कैसे बैलेंस बना के रखा हुआ है आपने? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को जो तकलीफ दी है, चाहे वो कोविड काल में दी हो, लोगों की बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मौत हुई है, चाहे वो किसानों को किस तरह से रौंद के मारा गया है, किस तरह से यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किस तरह से निर्दोषों को मारा गया है, किस तरह से यहाँ चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण बढ़े हैं, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है कि दलित बच्ची का अपने अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के कर दिया, कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड काल में कह रहे थे कि अगर आप ऑक्सीजन की कमी की बात करेंगे, हॉस्पिटल में बेड की कमी की बात करेंगे तो आपके ऊपर NEC लगा देंगे, जेल भेज देंगे. सोचिए आप, जो लोग तकलीफ में है, जिस माँ का बच्चे की बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प की मौत हो रही है, जिस पत्नी की पति की मौत बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के हो रही है, उसको आप ये भी धमका रहे हैं कि अपनी पत्नी की अपनी पति की मौत का कारण भी ना बताए, और माँ जो तड़प रही है कि उसके बेटे की मौत उसकी गोद में होगी भी ऑक्सीजन की कमी से, उसके बारे में बोले भी नहीं, बोलेगी तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा. ये तो तानाशाही है. सीएम साहब ने कल अपना रिपोर्ट कार्ड जो 5 साल का पेश किया है, उन्होंने बताया कि कितना कोविड काल में उन्होंने काम किया है और कितनी वैक्सीनेशन दी है. ऑलमोस्ट 100% स्टेट वैक्सीनेटेड है फर्स्ट डोज के लिए, जो कि बहुत बड़ा रीजन है कि कोविड में मृत्यु उस हिसाब से थर्ड वेव में नहीं हुई है जो सेकेंड वेव देखने को मिली है. आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये एक अचीवमेंट भी है? और उन्होंने आप लोगों पर भी तंज किया, उन्होंने कहा कि यही लोग थे जो कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है. क्या वो जिम्मेदाराना बयान था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ के उसको झूठ कम से कम 1 लाख नहीं करोड़ों बार बोलेंगे, टीवी चैनल पे बोलेंगे और टीवी चैनल से भी बुलवाएंगे कि आप बोलो 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 बोलो. अरे भाई, हमने बोला कि जो वैक्सीन बनाई है, जो बीजेपी का भ्रष्टाचार का सिस्टम है, जहां कोविड काल के समय आपने देखा हुआ किस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हुआ, पीपी किट में घोटाला हुआ, हम कह रहे थे कि इनके जो भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचार में कैसे यकीन कर लेंगे कि आप सही तरीके से लगाएंगे? क्या सामने में कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन नहीं लगा दिया वैक्सीन की जगह में? बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो. इनका जो सिस्टम में भ्रष्टाचार, उस पर उंगली उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लगाएंगे जिनके सिस्टम में भ्रष्टाचार है. हमें वैज्ञानिक पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे भरोसा नहीं है. और जब ये बात कहते हैं तो उसको कैसे उन्होंने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि नहीं, भाजपा की वैक्सीन, बात इतने समझदार भाजपा वाले कब से हो गए? अगर इतने समझदार हो जाते, वैक्सीन बना लेते तो देश की अर्थव्यवस्था तो भाजपा इतने समझदार अगर भाजपा वाले हो जाते, इतने इंटेलिजेंट हो जाते तो आज देश की हालत होती, ये अर्थव्यवस्था हमारी टूटी होती, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे होते, महंगाई से यहाँ लोगों की कमर टूट रही होती, या किसानों के रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते. पर आपको लगता कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हमने ऐसे काल में भी राशन घर घर पहुंचाया, बेनिफिशियरीज की एक बड़ी जमात है जो भाजपा के पास इस वक्त है, कैसे उस चीज को आप लोग काउंटर कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, आप हमको किस पे जिलाना चाहते हैं? आप मेरा सम्मान, आप सम्मान तो तभी होगा जब आप मुझे रोजगार दोगे. आपने तो ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पर उन्होंने कहा 5 लाख के करीब हमने नौकरी. मैं कहता रहा हूँ, दो कहाँ साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे आप, और आप देश को विश्व गुरु बनाने की भी बात कर रहे थे. उत्तर प्रदेश की बात करें तो 70 लाख लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था, और नया भारत, डिजिटल भारत, ये भारत, वो भारत, लास्ट में आपने क्या बना दिया? विश्व गुरु की जगह लाइन मिला के खड़ा कर दिया, 3 किलो आटा 4 किलो चावल आपको लाइन से मिलेगा. मतलब आपने यहाँ पे हमें, और बड़े फर्द से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, इसके मतलब आपने 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया? गरीबी रेखा से आपको लाइन मिला के आपने खड़ा कर दिया. पहली बार उत्तर देश के अंदर ऐसा हुआ है कि 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए. ये अचीवमेंट है उनका. अगर आप ये अचीवमेंट मानती है तो बताइए कि 44% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, ये उनका अचीवमेंट है? ये उनका अचीवमेंट है कि आजकल ज्यादातर बच्चे बेरोजगारी में घर बैठे हुए हैं और रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या यही उन्होंने सपना दिखाया था? और सबको कितना झूठ बोलते हैं कि 70 साल 80 साल 90 साल कितना गिनाते हैं,
25 साल अगर आप देख लें, लास्ट 25 साल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्या किया 15 साल का हिसाब दे? नहीं देंगे, झूठे हैं। कहते जो आपने शुरू किए थे और पूरे नहीं किए अपने प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने कंप्लीट। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या शुरू किया, इतनी सोच बताओ कि आपने क्या शुरू किया। हमने तो मेट्रो बनाई थी और जहां तक बनाई थी वहीं तक बनी है। हमने तो एक्सप्रेस वे बनाया था, दूसरा एक्सप्रेस वे भी हम उसकी लैंड एक्वायर करके गए थे, वो काम चल रहा था। आपने एक्सप्रेस वे, मेट्रो, हमारी चीजें तो गिनाते हो ना आप, हमारे नाम का या तो नाम 100 डायल का 112 कर दिया, एक्सप्रेस वे का नाम बदलने को समाजवादी उसका नाम हटा दिया। आपने यहाँ पे स्टेडियम हमने बनाया था, मैच शुरू वाले दिन आप सुबह पहुंच कैंची लेके पहुंच गए, आपने उसका फीता काट दिया कि हमने बना दिया। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यहाँ पे एक हजरतगंज चौराहा है उसका नाम आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी रख दिया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लखनऊ में आई हैं और आपको कहीं कुछ देखने को मिल जाए उस चौराहे पे तो बताना। 5 साल की सरकार होगी, चौराहे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति तक नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौराहा नाम है चौराहा, उस चौराहे को सुंदरीकरण भी नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जो एक नया काम अपना कर नहीं पाए। जो सबसे बड़ा अटैक भाजपा कर रही है समाजवादी पार्टी को, वो कह रही है गुंडों को शामिल किया है टिकट वाली लिस्ट पे, तो क्या भविष्य वो देंगे? योगी जी ने आज इंटरव्यू दिया है CNN न्यूज 18 को, उन्होंने कहा है हमारी जो लिस्ट है उसमें आपको इक्वालिटी दिखेगी, बैलेंस दिखेगा। बिल्कुल बैलेंस, क्या क्वालिटी है? माने ऐसे ऐसे योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी भाषा शैली है ठोक देंगे, मार देंगे, मुंह काला कर देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे, गुंडे का हाल है। मेरी बात सुनिए, अगर पहले कैंडिडेट, अरे मैं उन्हीं की बात, ये कैंडिडेट नहीं है तो क्या है वो? क्या है वो? कैंडिडेट नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से बात को छुपा ले जाते हैं, योगी जी कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल कैंडिडेट, तो कैंडिडेट की भाषा ही होगी, मैं पूरा बता रहा हूँ ना। तो वो आप करें कैंडिडेट की बात करो, वो कैंडिडेट नहीं है, ठोक देंगे, मार देंगे, मुंह काला कर देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे, गुंडा ही नहीं तो क्या है? कितने मुकदमे थे उनके ऊपर में इसके पहले जब उन्होंने एफिडेविट साइन किया था? दिखाई आपकी हिम्मत है तो, न्यूज 18 की हिम्मत है, दिखाया उनका एफिडेविट? कितने मुकदमे थे? 40 से ज्यादा, दंगा से लेकर कौन कौन से मुकदमे उनके ऊपर नहीं थे? 5 साल की सरकार में अपने ऊपर से मुकदमे हटा लिए, डिप्टी सीएम ने अपने ऊपर से हटा लिए, और आज भी 99 उनके ऐसे ऐसे उनके पर कैंडिडेट है जिन पर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। क्यों दे रहे हैं उनको टिकट? अपनी बात नहीं बताएंगे, खुद गुंडाई करेंगे दूसरे पे उंगली। क्यों पता है क्यों ऐसा बोलते हैं? जिससे जनता का ध्यान भटक जाए। मैं उसे इतने 5 साल से आपके चैनल पे भी बोलता रहा कि 10 टॉप 10 माफिया का नाम बताइए, तो डर बताने से क्यों डरते हैं? वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पता है जैसे टॉप 10 का बताएंगे उसमें से ज्यादातर बीजेपी के आ जाएंगे नाम, तो बताते नहीं। सोचो आप कितनी बेशर्मी से, देखिए हम तो पूछ रहे हैं कि बताओ आप, गुंडे खत्म करो। लेकिन जब गुंडा यहाँ पे क्रिकेट खेलता नजर आता है, पिच भी बना के दे दी, बैट भी दे दिया, बेटा क्रिकेट खेलो, 25,000 का इनामी है, वहां ना बुलडोजर जाता है ना पुलिस आती है, तो ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? और नहीं, ये गुंडा ही नहीं तो क्या है? किसानों को रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्यमंत्री बनाते, मतलब अगर वो ज्यादा को रोंद देता तो कैबिनेट मंत्री, मुझे लगता 200-400 को रोंद देता तो प्रधानमंत्री ना बना देते, कोई बड़ी बात नहीं है। माने ये तो अच्छा, हम 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने आज बोला है कि जो 80 बनाम 20 है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात हिंदू मुस्लिम की नहीं थी। हाँ तो बिल्कुल, वो तो 10वीं है, डिस्ट्रक्टिव है ना वो, हम कंस्ट्रक्टिव है तो अपने आप को बताते हैं, वो जो बोले उल्टा उल्टा समझो। तो आपके लिए मुद्दे क्या है इन चुनाव में, आप ये बताइए, आपकी सीट पर क्या मुद्दे हैं? सीधा सा मुद्दा है क्योंकि आप सिटिंग मिनिस्टर से कांटेस्ट कर रहे जो पिछली बार जीते भी हैं, इतना टफ वो शहरी विकास मंत्री रहे, कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए, लोगों ने चेहरा देखा नहीं, नहीं तो आप कभी घूम के देख लेना, लोगों से पूछ लेना। और शहरी विकास मंत्री के शहर में रोड में गड्ढे गड्ढे हैं और वो जो मार्केट है तार झूल रहे हैं, नहीं तो बाहर निकल के अभी इसी घर के बाहर देख लेना कैसे तार झूल रहे हैं, ऐसे रोज गिरते रहते तार, ना जाने कितने लोगों की मौतें हुई है। कभी उन्होंने हिसाब दिया? कभी उन्होंने हिसाब दिया कि ये जो हमने स्मार्ट मार्केट बनाने की बात की थी वैसे की वैसी पड़ी है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवर वैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं, पार्क यहाँ पे होना चाहिए थे, एक छोटे छोटे ग्राउंड होने चाहिए जहाँ बच्चे खेलेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे? इतनी बड़ी कॉलोनी, इतना बड़ा ये शहरी विधानसभा, बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? वो बेचारे अपने घरों में बंद हैं, किसकी वजह से? मंत्री की वजह से। मंत्री की वजह से छोटे छोटे बच्चे अपना 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 बचपना नहीं जी पा रहे, क्यों? इस मंत्री ने यहाँ पे एक भी पार्क, एक भी यहाँ पे ग्राउंड नहीं बनाया कि बच्चे खेल पाए, इसका दोषी कौन है? यहाँ का मंत्री है जो यहाँ से जीता है, उसने यहाँ के बारे में सोचा ही नहीं कभी, बताओ। शहरी विकास मंत्री तो क्या उत्तर प्रदेश का उसने भला किया होगा जिसने अपने ही विधानसभा का भला नहीं किया? अनुराग जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मदर-इन-लॉ भी चुनाव लड़ रही हैं, परिवार में होता होगा किसके लिए कैंपेनिंग में कौन कौन लगेगा,
और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जनरली बीजेपी बोलती है कि देखो परिवारवाद की राजनीति है, घर में दो दो तीन तीन लोगों को टिकट मिलती है, आप पे सवाल उठेंगे, कैसे काउंटर करेंगे? मुझ पे क्यों सवाल उठेंगे भाई, मैं दिलो लड़ रही हूँ उससे, हमारा क्या लेना देना? कल आप कहेंगे आपकी मौसी लड़ रही है, नानी उधर लड़ रही है, चाची नहीं, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान रिश्तेदार है भाई। यहाँ राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा लड़ रहा है, वो सीधा सीधा बेटा लड़ रहा है वो नहीं, और जो मेरे सामने लड़ रहा है उनके पिताजी भी यहाँ अभी तक मंत्री थे और गवर्नर थे, पूरा परिवारवादी चला रहा है। मैं तो गांव से आके अपनी मेहनत करके बना हूं, उनका कौन सा भाई परिवारवाद की तो प्रकाष्ठा है। वो बोलिए कल्याण सिंह लड़ रहे हैं परिवारवाद से, कल्याण सिंह का बेटा बहू नाती पोता सब लड़ रहे हैं। तो आपके लिए आपको लग रहा है आपकी जो सीट का कॉन्टेस्ट है आपके लिए कितना टफ होने वाला है? देखिए मेरे लिए इस वक्त कुछ टफ नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता बदलाव चाहती है, वो ऐसे मंत्री को यहाँ नहीं देखना चाहती, विधायक को जिस जो यहाँ ना रहता हो ना आता है, वो उनको उनको लगता है कि ये अपने ही मोहल्ले का लड़का है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, यही लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, वो तो कभी आते भी नहीं है और ना कभी, हम तो अभी आज प्रचार में गए थे तो बच्चे वो पहले गुल्ली डंडा खेलते थे, गुल्ली डंडा की जगह आजकल बच्चे बॉल डंडा खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं और डंडे से मारते हैं, तो हमने बोला बॉल, वो बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनकी बॉल पकड़ के डंडे से मारा, बाहर चले गई बाउंड्री की, हमने कही अगर आपका मंत्री आएगा वोट मांगने विधायक, अगर ये बॉल उछाल के डंडे से इतनी दूर मार दे तो उसको वोट दे देना, उसको डंडा बॉल खेलना ही नहीं आया, मारना ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं यूथ से, कभी उनके साथ उठे ही नहीं, बैठे नहीं, खेले नहीं, हम लोग क्या फुटबॉल खिला लो, क्रिकेट खिला लो, टेनिस खिला लो, बैडमिंटन खिला लो, कबड्डी खिला लो, लॉन्ग जंप खिला लो, ये गुल्ली डंडा की जगह बॉल डंडा खिला लो, पैदल चला लो, हम लोग तो उनके बीच के लोग हैं, ये तो रईस लोग हैं, आएंगे हाथ हिलाएंगे बस, हाथ जोड़े चले गए, इसलिए इस बार जनता ने सोचा है कि बदलाव करना है, वो जो हमारे बीच में उठता खेलता है उसे जिताना है और उनको भगाना है। So that was Mr. Anurag Bhudauria, Samajwadi candidate for Lucknow East seat. This is Pragya Kaushik for newcity.com.